तो जून के महीने की ईवी सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है भाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के मामले में हमारी ईवी सेल्स ऊपर गई है या फिर नीचे गई है, कौन सी कंपनी आगे बढ़ी है, कौन सी फिसड्डी बन के पीछे रह गई है, सब कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स। तो जून के महीने में हमने टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल करे हैं 79,520 यूनिट, जबकि मई में करे थे 77,158 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाती है प्लस में 3% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो जाती है प्लस में 72% की। और अब चलते हैं सीधे टॉप 10 पे। नंबर 10 पे बैठा है भाई रिवोल्ट मोटर, जो कि पिछले महीने था 9वें स्थान पे, आज पहुंच चुका है 10वें स्थान पे। मई के महीने में उन्होंने सेल करी थी 687 यूनिट, जबकि जून में करी है 660 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ जाती है माइनस में 3.9% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जाती है माइनस में 7.1% की। अब नंबर 9 पे बैठा है भाई एक नया साइज प्लेयर, जिसका नाम है क्वांटम एनर्जी, जो कि पिछले महीने पता नहीं कहां पे था, आज बैठा हुआ है 9वें स्थान पे। मई के महीने में इन्होंने सेल करी थी 523 यूनिट, जबकि जून में करी है 675 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ है प्लस में 29% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनकी अवेलेबल नहीं है। अब सडनली क्वांटम एनर्जी कहां से आ गया, तो सीन ऐसा कुछ होता है कि भाई कुछ कंपनियां होती हैं जिनकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही होती है, लेकिन कोई कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट देके बहुत सारे स्कूटर एक साथ खरीद लेती है, तो ऐसे केसेस में ऐसी कंपनी आगे आ जाती है। नंबर 8 पे बैठा है भाई जॉय ई बाइक, जो कि पिछले महीने तक 6वें स्थान पे, आज पहुंच चुका है 8वें स्थान पे। मई के महीने में इन्होंने सेल करी थी 1261 यूनिट, जबकि जून में करी है 896 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 28% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो जाती है 103% की। उसके बाद नंबर 7 पे बैठा है भाई बिगॉस, जो कि पिछले महीने तक 8वें स्थान पे, आज पहुंच चुका है 7वें स्थान पे। मई के महीने में उन्होंने सेल करी थी 1158 यूनिट, जबकि जून में करी है 1062 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 8.2% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो जाती है इनकी 456% की। उसके बाद नंबर 6 पे बैठा है भाई ग्रीफ मोबिलिटी, जो कि पिछले महीने था 7वें स्थान पे, आज पहुंच चुका है 6ठे स्थान पे। मई के महीने में इन्होंने सेल करी थी 1956 यूनिट, जबकि जून में करी है 2713 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 38% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनकी अवेलेबल नहीं है। अब ये थे भाई नीचे के 5 प्लेयर, जहां पे कॉम्पिटिशन लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं होता, लेकिन जो ऊपर के टॉप 5 होते हैं वहां कॉम्पिटिशन गला काट होता है भाई, जिसमें मजा बहुत ज्यादा आता है। मजा आपको आ ही रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो सच्चे विलेवर बनने के लिए। नंबर 5 पे बैठा है भाई हीरो मोटर कॉर्प, जो कि पिछले महीने 5वें स्थान पे था, आज भी 5वें स्थान पे है। मई के महीने में इन्होंने सेल करी थी 2453 यूनिट, जबकि जून में करी है 3068 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 25% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है 566% की। उसके बाद नंबर 4 पे बैठा है भाई ईथर एनर्जी, जो कि पिछले महीने भी 4वें स्थान पे था, आज भी 4वें स्थान पे है। मई के महीने में इन्होंने सेल करी थी 6024 यूनिट, जबकि जून में करी है 6097 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 1.2% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है माइनस में 34% की। अब ईथर एनर्जी का सीन मैं बता देता हूं, इन्होंने अभी बुकिंग तो ले ली है इधर इस स्कूटर की, लेकिन उसकी डिलीवरी चालू नहीं हुई है। जैसी डिलीवरी चालू होगी इनका ग्राफ भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। नंबर 3 पे बैठा है भाई बजाज चेतक, जो कि पिछले महीने भी तीसरे स्थान पे था, आज भी तीसरे स्थान पे है। मई के महीने में उन्होंने सेल करी थी 9189 यूनिट, जबकि जून में करी है 8985 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 2.2% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है प्लस में 202% की। तो बजाज चेतक जो है भाई वो तीसरे नंबर की सीट को हथिया के बैठ गया कि भाई यहां से वो जब कोई नहीं हिला सकता। ईथर एनर्जी फुल ट्राई कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा। नंबर 2 पे बैठा है भाई टीवीएस मोटर, जो कि पिछले महीने भी दूसरे स्थान पे था, आज भी दूसरे स्थान पे है। मई के महीने में उन्होंने सेल करी थी 11,770 यूनिट, जबकि जून में करी है 13,897 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 18%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है प्लस में 78% की। और उसके बाद नंबर 1 पे आ जाता है भाई अपना ओला इलेक्ट्रिक, जो कि पिछले महीने पहले स्थान पे था, आज भी पहले स्थान पे है। मई के महीने में उन्होंने सेल करी थी 37,191 यूनिट, जबकि जून में करी है 36,716 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 1.2% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो जाती है 106%। अभी रुक रुक, अभी जाना नहीं है भाई, अभी इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल से रही सारी, उन्हें भी तो देखना है ना। उससे पहले वोट देता हूं भाई, तो नंबर 1 का वोट तो ऑलरेडी ओला इलेक्ट्रिक को चला जाता है, लेकिन चीफ ऑफ द मंथ का वोट जाता है हमारे ग्रीफ मोबिलिटी को, इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और फिसड्डी ऑफ द मंथ जाता है भाई जॉय ई बाइक को माइनस में 28%। उसके बाद आता है भाई सिंपल वन, जिन्होंने मई के महीने में सेल करी थी 69 यूनिट, जबकि जून में करी है 49 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 28% की। उसके बाद आता है रिवर इंडिया, जिन्होंने मई में सेल करी थी 167 यूनिट, जबकि जून में करी है 182 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 8.9%। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में सबसे पहले आता है टॉर्क मोटर, जिन्होंने मई के महीने में सेल करी थी 48 यूनिट, जबकि जून में करी है 42 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 12%। ओबेन रोर ने मई के महीने में सेल करी थी 31 यूनिट, जबकि जून में करी है 41 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 32% की। अल्ट्रावोल्ट मई में सेल करी थी 16 यूनिट, जबकि जून में करी है 32 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 100% की। और रिवोल्ट का मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, मई में उन्होंने सेल करी थी 687 यूनिट, जबकि जून में करी है 660 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 3.9% की। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की वीडियो आपने देख ली, इलेक्ट्रिक कार्स की देखनी है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कर लो।